टी20 वर्ल्ड कप जीत का सिलसिला आपने जीत हासिल किया। जश्न वहां से शुरू हुआ, मुंबई पहुंचा, मुंबई के बाद लगातार आप लोगों को इस तरह से लोगों का जान मिला, क्या कहना है आज जीत को लेकर? नहीं, बिल्कुल खुशी हो रही है अपने शहर में आके और अपने लोगों के बीच में बहुत प्यार मिल रहा है, तो इस चीज का मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके कानपुर उद्योग व्यापार मंडल में आके। और नए लोग हैं और नए लोगों के बीच में जब आपको प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से टीम ने इस टी20 में एक एक्स्ट्रा एनर्जी कुछ दिखी, जितने भी मैच थे पूरी टीम ने एफर्ट लगाया, जिस तरह से आप लोगों ने जीत हासिल करी, क्या कहना इस पूरी सीरीज में, चाहे रोहित हो विराट हो? बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी अप्रोच थी और डेस्परेशन थी हमें जीतने की वर्ल्ड कप, शायद हमने 23 में मिस कर दिया था और उसी प्लान से हम खेले थे वर्ल्ड कप और जो हमें चाहिए था हमने वो अचीव किया। आज रोहित ने और विराट जी ने और जडेजा जी ने संन्यास लिया, क्या लगता है कितनी मिसिंग हो रहेगा टी20 की जब सीरीज होगी? अभी मुझे लगता है अभी इस बारे में बात करना नहीं चाहिए क्योंकि हमें एंजॉय करना चाहिए और वो उनका पर्सनल डिसीजन है और ऑब्वियसली बहुत बहुत कुछ अचीव किया है इतने सालों, उन्होंने क्रिकेट के लिए किया है, भारत के लिए किया है, बहुत अच्छा किया है और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में जो यंगस्टर होंगे उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी खेलने की। और वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने आखिरी मैच खेला तो उससे अच्छे अचीवमेंट नहीं हो सकती, और जो लड़के नए लड़के आएंगे उनको ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छा करने की। नहीं नहीं, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था, चाहे बल्लेबाजी से बात करें, चाहे विराट भाई की इनिंग की बात करें, चाहे अक्षर की बात करें, चाहे नीचे आके बैटिंग में, तो टर्निंग पॉइंट मुझे नहीं लगता कोई था, सारे सबने मिलके काम किया और अचीव किया। आज कुलदीप को वर्ल्ड कप जीतते हुए सबने देखा, अब कुलदीप की